हे एवरीवन, अनुराज फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है केक। और केक तो हम सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो किसी ओकेज़न पर हो या फिर ऐसे ही केक हम सब खाना पसंद करते हैं। तो मैं इसकी फटाफट एक बहुत ही आसान सी और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसे कोई भी बना सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम अपना बेकिंग टिन तैयार करते हैं, क्योंकि ये हम केक जो है वो बिना ओवन के बनाएंगे तवे पर। इसके लिए मैं एक एल्युमिनियम का भगोना ले लेती हूँ। आप एक मोटे तले का भगोना लें और जितना केक आप बनाना चाहते हैं उसी अनुसार आप बर्तन को ले लें। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। उसके बाद हम अच्छे तरीके से पूरे में इसको फैला लेंगे और उसके ऊपर से थोड़ा सा हम मैदा को डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम उसको चारों तरफ ऐसे हिला हिला के चारों तरफ उसको मैदे को अच्छे तरीके से कोट कर देंगे, ताकि हमारा केक जो है नीचे से चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। तो इसको मैं देखिए कैसे हाथों से ऐसे करके चारों तरफ इसको फैला देती हूँ, ताकि अच्छी तरीके, और जितना एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम झाड़ के अच्छे से निकाल देंगे। और उसके बाद ये हमारा बेक करने के लिए जो बर्तन है वो तैयार हो जाएगा। और मैंने इसमें पेपर लगा दिया है, सादा पेपर। आप चाहे तो ऐसे ही इसको बेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी जो है, मैंने थोड़े से बिस्किट लिए हैं। मैं ये केक बिस्किट से बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसके लिए बिस्किट ले लिया है। और मैंने इसमें तीन तरह के बिस्किट लिए। आप अपनी पसंद के अनुसार बिस्किट जो चाहें वैसा ले सकते हैं, पर इसमें ओरियो बिस्किट आप ज़रूर लें, क्योंकि इसमें चॉकलेट जो है वो हमें केक को बहुत अच्छा माइंड और फ्लेवर देता है। तो इसके लिए मैंने एक पैकेट ओरियो लिया है और एक मैजिक क्रीम वाला लिया है और एक पार्ले जी का पैकेट लिया है। आप और भी कोई चाहे वो भी ले सकते हैं। तो हम इन सब बिस्किट को निकाल कर इनको थोड़ा सा क्रश करेंगे। तो अभी मैं इनको अच्छे से निकाल लेती हूँ। और ये रेसिपी आप बहुत ही एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान ये केक और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। आपको कुछ भी सोचने की, देखने की, जानने की, आपका जब भी मीठा खाने का या केक खाने का मन करे, आप झटपट से घर में रखे बिस्किट उठाइए और उसको फटाफट पेस्ट बनाकर डालिए और आपका केक बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप चाहे कोई सोचना नहीं, कोई झंझट नहीं कि केक हम कैसे बनाएं, क्योंकि केक बनाने में बहुत लोगों को बहुत डर लगता है कि केक कैसा बनेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आप ऐसे ट्राई करके आप केक झटपट बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या, सभी बिस्किट को अच्छे से निकाल लेती हूँ। और इसमें आप चाहे तो इन बिस्किट को क्रीम के साथ डाल सकते हैं या इनकी क्रीम थोड़ी सी निकाल सकते हैं। तो मैं भी थोड़े से बिस्किट का क्रीम निकाल लेती हूँ इसी क्रीम से मैं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल केक बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसी में से इसको गार्निश करने के लिए भी क्रीम निकालूँगी। तो मैं थोड़ी सी क्रीम इसकी निकाल लेती हूँ। तभी मैं इसके थोड़ी सी क्रीम निकालती हूँ और बाकी सबको ऐसे ही डाल देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान, जिसे कोई भी बना सकता है और जो हमारे घर में ही रखी चीज़ों से बन सकती है। हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और इन्हें कोई भी बना सकता है। तो अब मैं बिस्कुट को थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा छोटे छोटे हो जाए। और इसके बाद ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट को निकाल के इन्हें थोड़ा सा तोड़ लिया है। अब हम इनको जार में डालकर इनको अच्छे से इनका एक पाउडर जैसा बनाएंगे। मैं इनको डालकर एक पाउडर जैसा बना लेती हूँ। मैं सभी को डालकर थोड़ा सा एक बार मिक्सी में इनके पाउडर बनाते हैं। उसके बाद हम अपने आगे का प्रोसेस करेंगे। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें अपने सुझाव और विचार बताइए। अभी मैं इनको अच्छे से इनका पाउडर बना के तैयार करती हूँ सारे बिस्किट का। ये देखिए, मैंने इनका एक बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है। देखिए, इसमें बीच में कुछ रह ना जाए, आप इनको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए और फिर
अभी मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, आप चाहे तो ना डालें क्योंकि बिस्किट वैसे भी मीठे होते हैं। अगर आप मीठा हल्का खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी को ना डालें, पर आपको अगर थोड़ा सा मीठा पसंद है तो आप चाहे थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे, ठंडा दूध, इसमें गर्म दूध नहीं डालेंगे, ठंडा वो दूध डाल देंगे, और इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने अभी इसमें दूध, और दूध आप थोड़ा सा ही पहले डालिएगा, और एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिए कैसा पेस्ट बना है। आप पेस्ट बिल्कुल ऐसा ना ही पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमें गाढ़ा सा लिक्विड सा पेस्ट चाहिए। तो हम उसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ जार से। ये देखिए मैंने इसमें जार में से जो हमारा पूरा पेस्ट था उसको निकाल लिया, और ये देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा। और जो हमारा जार में बहुत सा पेस्ट लगा रह जाता है, कोई झंझट नहीं, आप उसमें दूध डालकर एक बार उसको ऑन कीजिए, और आपका ये मिल्क शेक, चॉकलेट शेक तैयार हो जाएगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे हैं, उसके बाद हम एक पैकेट इसमें इनो डालती हूँ। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो मैं इसमें भी सादा वाला जो इनो है वो डाल देती हूँ। और इनो डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे, और हम फिर फटाफट इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो मैंने अभी इसमें इनो डालकर इसको अच्छे से मिला लेती हूँ फटाफट करके, और फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। और ये ऐसी रेसिपी है कि आपको अवन की भी ज़रूरत नहीं, आप केक घर पर बिना अवन के ही बना सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसको मिला लिया। अब हम इसमें जो हमने अपना बेक करने का टिन तैयार किया था उसमें हम इसको डालेंगे, सारे पेस्ट को अच्छे से हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छी तरीके से मैंने डाल लिया उसको, थोड़ा सा इधर उधर बर्तन करके इसको, ताकि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे तरीके से बराबर फैल जाए एक साइड से। फिर हम इसमें, मैंने इसमें से जो थोड़ा सा क्रीम निकाली थी उसको भी ऊपर रख देती हूँ। आप चाहे तो अभी भी इसमें थोड़ी सी क्रीम रख सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। मैं इसमें खाली भी दो ही रख रही हूँ, आपके पास अगर और भी है तो आप वो भी रख सकते हैं। और फिर हम इसको बेक करने के लिए चलते हैं। तो ये बेक करने के लिए मैंने इस तवा ले लिया है, तवे को गैस के ऊपर रख दिया है, और उसके बाद हम अब जो फ्लेम है वो इसको बिल्कुल अभी धीमा रखेंगे। हमें इसको पहले से कोई प्री हीट नहीं करना है, जब हमें बेक करना है तभी हम गैस को ऑन करेंगे, और तवा रखने के बाद हम अपना जो भगोना है वो भी इसके ऊपर रख देंगे और फिर ढक देंगे। ये मैंने प्लेट से ढक दिया है। उसके बाद अभी हम इसको एक कपड़े से कवर करेंगे, और गैस को अभी 2 मिनट के लिए हम थोड़ा बिल्कुल मीडियम रखेंगे। उसके बाद तो हम बिल्कुल ही गैस जितनी धीमी हो सकती है आप उतनी सबसे लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे टाइम। और 20 से 25 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका केक अच्छे से बनकर, ये देखिए मैंने बिल्कुल गैस को अभी तो हमने 2 मिनट के लिए भी, और इसके बाद ये देखिए मैंने बिल्कुल ही धीमा इसको कर दिया है। अभी हम कपड़े से इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा केक जो ऊपर तक अच्छे से बेक हो जाए। और इसको मैं ऐसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए करीब छोड़ देती हूँ, और इसको उसके बाद चेक करती हूँ। ये देखिए टाइम हो गया है, और मैं इसे खोलती हूँ, और उसके बाद अभी इसको चेक करती हूँ कि हमारा केक अच्छी तरीके से। तो आप इसमें एक स्टिक डालकर चेक कीजिए और देखिए, ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। ये देखिए ऊपर से भी बिल्कुल ये कुछ भी चिपक नहीं रहा है। तो अब हम इसको बंद करके बाहर थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो हम इसमें एक चाकू की सहायता से इसमें साइड में थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से छूट जाए, बिल्कुल भी लगे ना। और इसको प्लेट पर आप पलट लीजिए। अभी मैं इसको पलट लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया, और देखिए बिल्कुल हमारा अच्छी तरीके से निकल आया हूँ। अभी मैं जो ये बिल्कुल भी निकाल लेती हूँ, ये देखिए
हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हो गया। आप चाहे तो इसे ऐसे ही कट करके, अगर आपने खाने के लिए बना है तो ऐसे भी खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसे इसके ऊपर गार्निश करके, उसके ऊपर गणेश चॉकलेट लिक्विड सब कुछ डालकर, या आप किसी भी चीज़ से, टूटी फ्रूटी हो या स्प्रिंकल, आप किसी भी चीज़ से इसको, हर चीज़ से जैसा आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं उसे डेकोरेट करके, आप अगर किसी ओकेज़न के लिए बना रहे हैं तो वैसे आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको ऐसे ही बना रही हूँ, इसलिए मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली मैं इसको, तो मैं इसमें जो क्रीम निकाली थी चॉकलेट की, उसी से अभी मैं इसको खाली थोड़ा सा इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख देती हूँ, और मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने अभी इस पर कुछ भी गार्निश के लिए, मैंने जो खाली क्रीम बिस्किट से निकाली थी उसी से उसको गार्निश कर दिया। और ये देखिए हमारा केक, ये देखिए उसके बाद